हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो ब्रेनर्स। यहाँ मैं एक स्पीसीज लेके आया हूँ रैट का, जिसे आप देख सकते हैं। मोस्टली ये क्लास 11th बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर या यूजफुल साबित होगा। इसकी लंबाई तो देखें कि अगर ये लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर से लेके और ये लंबी जा रही है अबाउट 17 सेंटीमीटर तक। लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये इनके जो टेल हैं ये 20 सेंटीमीटर के होते हैं जब ये 4 साल के हो जाते हैं। इसका स्किन हेयरी आप देख सकते हो। इनके यहाँ पे मोस्टेक, इनके लेग के बारे में भी, सर आप कैसे इसको पकड़े, कैसे किए। मैं इसको ड्राई भी कर सकता हूँ, उनके स्केलेटन सिस्टम पे भी फर्दर आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं एक रेफरेंस बुक लेके आपके साथ हूँ जो पूरी तरह आप देख सकते हैं। इनके एक्सटर्नल नेरिस, बिब्रिसी, ब्रैचियम, इनके ब्रांच है जो हेयर के, टेल, आई, हेड, पीना। पीना जो ह्यूमन के लिए भी पाया जाता है। तो ये बुक है स्टूडेंट्स जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। आप इसको देख सकते हो, ये हेडिंग है डिफरेंसेज बिटवीन द लार्ज बैट एंड द स्मॉल बैट, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। लेकिन ये एक एनिमल किंगडम का चैप्टर है जिसे मैंने लिया है। और यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि हैबिटेट, इनका साइंटिफिक नेम होता है रैटस। द रैट अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। ये ओमनीभोरस है, फास्ट रनर होते हैं। इन पे आप रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि रिसर्च करने के लिए ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये हमें कट कर सकते हैं। इनके जो टीथ हैं ये बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए, इसलिए रिसर्च में एल्बिनो माइस को यूज़ किया जाता है। वाइट माइस आपने देखा होगा, या आप एल्बिनो माइस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इनके ये थोरेसिक रीजन है, ये इनके थोरेसिक रीजन्स है। ये पाइना देखिए कितना प्यारा, इनका सॉफ्ट पाइना है। और इनके बॉडी के पार्ट्स तो ये है इनके फीचर। द रैट हैज द लो ग्रेसी, अबाउट 80 सेंटीमीटर के होते हैं। लॉन्ग बॉडी कवर्ड विद अ शॉर्ट सॉफ्ट क्लोज सेट ऑफ हेयर, एंड ऑफ द स्नाउट, टिप्स ऑफ द पाइना, पाम्स एंड द सोल्स एंड द हेयरलेस। बोल रहा है कि इनके जो लेग होते हैं, देखो इनके लेग, ध्यान से इनके लेग को देखिए तो हेयरलेस लेग होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा बुक से, और लाइव जो स्पीसीज मैं आपको लेके यहाँ पे आया हूँ, इनके जो लेग होते हैं वो हेयरलेस होते हैं। सो लॉन्ग एंड बीयर्स एपिडर्मल स्केल इन एडिशन टू स्केंटी हेयर्स। मैं आपको एक लिजार्ड के वीडियो में बताया था कि इनके बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हियर आल्सो आप देख सकते हो कि इनके बॉडी में स्केल्स है। इसको सर थोड़ा टर्न करके देख लो एक बार, इनको जब टर्न करके देखोगे इस माइस को, मैं इसको कैच भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट को डिसेक्ट करके वीडियो दिखाया है। इनके पार्ट्स को देखिए और इनके टीथ, इसलिए ये बोला जाता है कि इन पे काम करना बहुत टफ है। ये टीथ से आपको बाइट कर सकते हैं, और ये हमारे घर के कपड़े, हमारे घर के खाने, हमारे बुक्स को भी ये कट करते हैं। तो ये इनके स्केल्स है, इनके जो लेग के स्केल्स है स्टूडेंट, आप इसको देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इनके बॉडी पार्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, रैट इज़ द वेरी हार्मफुल, देयर इज़ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इट डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स। अच्छा, ये हमारे क्रॉप्स को, मतलब फार्मर को नुकसान पहुँचाते हैं। कंज्यूम्स स्टोर्ड ग्रेन को, ऐसा आप जानते हैं, स्पॉयल फर्नीचर, क्लोथ, बुक एंड स्प्रेड बुबोनिक प्लेग, ये हमें प्लेग फैलाते हैं। देखिए एल्बिनो यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने जिक्र किया कि एल्बिनो माइस पे आप काम कर सकते हैं। एल्बिनो रैट आर द एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द बायोलॉजी एंड द मेडिकल रिसर्च। सो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए स्टूडेंट था। इनके टेल के बारे में थोड़ा सा दिखा दूँ, तो इनके टेल अभी 20 सेंटीमीटर के नहीं है, ये टेल इनका बहुत छोटा है। तो इस टेल, अब ये बड़ा होता इसके पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके सामने रखूं, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे स्पीसीज का इंतज़ार रहता है, ताकि आपको ये 11 सेंटीमीटर का, 1 से 11 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स इनके टेल दिख रहे हैं, जो ये 20 सेंटीमीटर के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट मेरे ये वीडियो कैसे लगे आपको, प्लीज़ देखिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।